खबर यूपी के बलिया में चेकिंग के दौरान राजकीय रेलवे पुलिस सीआरपी ने अवैध असलहों और भारी मात्रा में कारतूस के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। यूपी से बिहार ले जाने के फिराक में थे तस्कर। पूछताछ के बाद केस दर्ज कर दोनों आरोपियों का चालान कर दिया गया। जीआरपी इस गिरोह से जुड़े अन्य तस्करों तक पहुंचने के प्रयास में लगी हुई है। रेलवे स्टेशन पर छपरा जाने वाली किसी ट्रेन से असलहा लेकर जाने के फिराक में स्थानीय रेलवे स्टेशन पर मौजूद दो तस्करों को रेलवे पुलिस के जवानों ने संदेह के आधार पर पकड़ लिया। जांच के दौरान उनके पास से अवैध असलहा व कारतूस बरामद किया गया। जीआरपी पुलिस ने दोनों के पास से 425 अवैध जिंदा कारतूस, 315 बोर, 400 अवैध जिंदा कारतूस, 32 बोर व दो देशी तमंचा 315 बोर बरामद किया। ये लोग लंबे समय से पुलिस की आंख में धूल झोंक कर अवैध कारोबार करते आ रहे हैं। आज बलिया जीआरपी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांक 28/9/2024 प्रातः 7 बजे करीब थाना जीआरपी बलिया पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 825 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, जो कि 315 बोर और 32 बोर के हैं। जामा तलाशी में इनके पास से दो अवैध देसी तमंचे भी बरामद हुए हैं। इनके नाम राशिद और रंजीत हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि एक शुभम नाम का व्यक्ति है, जो कि हिस्ट्री सीटर भी है और जौनपुर सरपताह थाने का रहने वाला है, वो इनको कारतूस दिया करता था और ये उनके दिए हुए कारतूस को छपरा बिहार की तरफ ट्रेन के माध्यम से ले जाते थे। शुभम सिंह द्वारा ही बताया जाता है कि छपरा में किस व्यक्ति को डिलीवरी देनी है, तो बिहार में ये दोनों व्यक्ति राशिद और रंजीत उनको डिलीवरी दे देते थे। शुभम सिंह एक हिस्ट्री सीटर है, उसके ऊपर 10 से अधिक मुकदमे हैं जो कि विभिन्न थाना क्षेत्र जनपदों में हैं। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान जो भी व्यक्ति अपराधी इस प्रकाश में आएगा उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।